अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, इस कॉन्फिडेंस मोशन और अभिनंदन प्रस्ताव पे बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं और समाजवादी पार्टी का मैं पक्ष यहां पर रखने वाला हूं। हमारी पार्टी ने आज कॉन्फिडेंस मोशन में एब्सेंट करने का निर्णय किया, लेकिन अब जब सम्माननीय मुख्यमंत्री जी इतनी मेजॉरिटी से यहां पर जीतकर आए तो अपनी पार्टी की तरफ से मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। सम्माननीय मुख्यमंत्री जी सातारा से हैं, एक ऐसे गांव से है जो मेरे गांव के बिल्कुल बाजू में है, और मैं सम्माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि सुबह से मुझे ये फोन आ रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री सातारा कब आएंगे, गांव कब आएंगे, और महाबलेश्वर से सभी लोग ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री गांव में आए। अध्यक्ष महोदय, आज इस सभा में जो मेजॉरिटी मिली है इस सरकार को, अब ये सरकार पे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी पे, सम्माननीय उप मुख्यमंत्री जी पे ये जवाबदारी आती है कि महाराष्ट्र के हर घटक को, महाराष्ट्र के हर व्यक्ति को वो संरक्षण दे, उसकी बात सुने। मैं गौर से सुन रहा था मुख्यमंत्री जी, जब उन्होंने अपना पहला इंटरव्यू दिया उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के हर व्यक्ति को मैं संरक्षण और न्याय दूंगा, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरह से देश का वातावरण है और जहां जहां पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है वहां पे अल्पसंख्यकों के मन में बहुत इनसिक्योरिटी हो गई है। मैं खास तौर से उप मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वो इस राज्य की माइनॉरिटीज को आश्वासित करे कि उनके प्रश्नों को सुना जाएगा, उनकी बातों को सुना जाएगा और इस राज्य में उनको पूरा न्याय मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, हमने आज और कल दोनों वक्त एब्सेंट करने का निर्णय लिया। ये एब्सेंट करने का निर्णय हमारे नेता अबू आसिम आजमी साहब ने इसलिए लिया कि जैसे उन्होंने कल बताया कि आखिरी कैबिनेट के अंदर इस सरकार में शिवसेना ने और माजी मुख्यमंत्री जी ने ऐसे निर्णय लिए कि जो हमको लगता है कि जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना था उसके विपरीत थे। और आज आप देखिए, आजमी जी का कल भाषण हुआ और आज दो नंबर से उनको जान से मारने की धमकियां आ रही है। उन्होंने जब कहा कि औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम चेंज किया गया, ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है, ये वो बातें नहीं है जिस पर हमने इस महाविकास अघाड़ी का गठन किया था। अध्यक्ष महोदय, मुझे लगता है ये कहना जरूरी है कि महाविकास अघाड़ी का जो गठन हुआ वो महाराष्ट्र को एक उम्मीद देने वाला था, पूरे राष्ट्र को एक उम्मीद देने वाला था। और जब ये 11 पार्टियों का गठन हुआ उन पार्टियों ने एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया था। मैं इस अवसर को इस्तेमाल करके माजी उप मुख्यमंत्री अजीत पवार साहब का, बाला साहब थोराज साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। जैसे गुलाबराव जी ने कहा कि 6 बजे उठकर जो है माजी उप मुख्यमंत्री जी सबकी बात सुनते थे, और मैंने देखा है मेरे नेता के साथ जाते हुए एक दिन के अंदर अजीत पवार साहब का अपॉइंटमेंट मिलता था, और जब हमारी बात हम रखते थे हमारी बात पूरी सुनी जाती थी। लेकिन ये कहना जरूरी भी है कि महाविकास अघाड़ी में भी कौन सी खामियां थी। मैं एक बार अबू आसिम आजमी साहब के साथ गया, दादा से मिला, और दादा से मैंने कहा कि राज्य के एक मुख्यमंत्री मेरे क्षेत्र में आकर ये स्टेटमेंट कहते हैं कि रईस शेख 17 दिन में चुनाव कैसे जीत गया, यानी कि महाविकास अघाड़ी के ही एक मंत्री महाविकास अघाड़ी के एक आमदार के क्षेत्र में आके कहते हैं कि माइनॉरिटी का एक आदमी 17 दिन में कैसे जीत गया। दादा, मुझे आपकी बात जिंदगी भर याद रहेगी। तब दादा ने मुझसे कहा था कि मुझे इस बात का एहसास है कि मैं एक एक महाविकास अघाड़ी के आमदार के मत पे उप मुख्यमंत्री बनाऊं। अगर ये भावना सबके अंदर होती तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये आज हमको देखना नहीं पड़ता। मैं गुलाबराव जी की एक बात से सहमत हूं कि सिर्फ ईडी और सिर्फ ये बात नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे बीच के लोग जो थे उनका व्यवहार ये जिम्मेदार है आज की परिस्थिति के लिए। दादा, आपका धन्यवाद। बाला साहब थोराज साहब, आपका धन्यवाद। पिछले कई दिनों में आपने हमारी बातें सुनी,
जब ये पत्र जनाब अबू आसिम आजमी साहब ने मुख्यमंत्री को लिखा था उसमें माइनॉरिटीज के कई मुद्दे उठाए गए थे, और मैं आज उप मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि इन प्रश्नों को आप देखिए। 2.5 साल हो गया दादा, लेकिन अभी भी माइनॉरिटी कमीशन हो या आप कहिए उर्दू एकेडमी हो या आप कहिए जितने भी हमारे स्टेट्यूटरी बॉडीज है उसके अंदर हज कमेटी हो, किसी का भी गठन नहीं हुआ। आप बताइए महाविकास अघाड़ी को ये आश्वासित हर समाज को करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था कि उनकी बातें सुनी जाएगी। दादा मैं माइनॉरिटी मिनिस्ट्री का यूटिलाइजेशन यहां पर मेरे हाथ में है, यानी कि इस सरकार में 2.5 साल में माइनॉरिटी को कितनी योजनाओं का लाभ मिला उसका ये लोका जोखा है। सम्मान्य पृथ्वीराज जी भी यहां पर है, मैं ये आपको देने वाला हूं और मैं स्कीम वाइज आपको यूटिलाइजेशन बताऊंगा। एक ही स्कीम का यूटिलाइजेशन हुआ ना, हायर एजुकेशन के लिए कोई फंड दिए गए, यानी यूटिलाइजेशन ही नहीं हुआ। फंड तो दादा ने दिया लेकिन आप देखिए 10%, 20% ये यूटिलाइजेशन है, यानी कि आप जो हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए थी यूटिलाइजेशन 15%, जो हमारे संस्थाओं को निधि मिलनी चाहिए थी निधि है लेकिन यूटिलाइजेशन नहीं। यूटिलाइजेशन कहां हुआ? यूटिलाइजेशन हुआ जो सिविल वर्क के लिए फंड मिला जो है उसका यूटिलाइजेशन हुआ, यानी कि आप सिर्फ सिविल वर्क के फंड को यूटिलाइज कर रहे। 150 करोड़ रुपए का वितरण हुआ, और ये वितरण कैसे होता है? माइनॉरिटी समाज के एक आमदार के लिखे हुए कई पत्रों के ऊपर उसको 1 करोड़ की निधि मिलती है, लेकिन भिवंडी के अंदर कांग्रेस के 18 बंडखोर